हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आके आज का जो रेसिपी है इजी एंड टेस्टी वाला केसर है। हमें रवा केसर देखे है, आज हम सेमिया केसर भी देखेंगे। मैं कैसे बनाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। जो घर में मिलते हैं वही चीज़ों से हमेशा मैं बताती हूँ। हमेशा हमारे घर में सेमिया रहता है, शुगर रहता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं और घी तो ऑलवेज रहता है। यहाँ पे मैं कढ़ाई लगा चुकी हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी गर्म होने देते हैं। घी तो गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं किशमिश ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं और आपका जो पसंद ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं किशमिश लिया है। किशमिश को अच्छे तरह से फ्राई कर लेते हैं। किशमिश जल्दी फ्राई हो जाएगा। उसके बाद किशमिश को दूसरे कप में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सेमिया लिए हैं, सेमिया को लो फ्लेम में 1 मिनट तक आराम से फ्राई करना है। इसका कलर ब्राउन कलर आए तक अच्छा सा फ्राई करना है। देखिए, आधे मिनट हो गया, कलर अच्छा सा चेंज हो गया है, मगर इसको और थोड़ा ब्राउन कलर फ्राई कर लेते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो घर में मिलते से हैं। यहाँ पे हम सेमिया लिया है, 1 कप सेमिया लिया है और 3 बड़े चम्मच शुगर लिया है, थोड़ा सा जाफरानी कलर लिया है और घी लिया है। इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। सेमिया फ्राई हो चुका है, मैं साइड में लगा चुकी हूँ। जिस कप से मैंने सेमिया लिया है वही कप से मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो और 1 कप ले सकते हैं, मगर मैं 2 कप क्यों ले रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। 2 कप में केसर एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आप लोग 3 कप लिए तो बहुत लिक्विड लिक्विड जैसा बन जाएगा। पानी तो अच्छा मसल चुका है। अभी जो बैम्बिनो हम पहले से फ्राई करके लगाए हैं इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को लो कर लेते हैं। लो कर लेके इसको अच्छा सा मिक्स करके ये पकने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। और इसको फ्लेम आप लोग चाहिए तो मीडियम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लो फ्लेम में पकाया है। देखिए, अभी ये एकदम गाढ़ा बन गया, फिर भी थोड़ा पानी है। और एक इसको 1 मिनट तक पका लेते हैं। देखिए, 1 मिनट के बाद अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, पक चुका है ये। अगर और 1 कप पानी डाले तो बहुत लिक्विड के जैसा नरम बन जाता है। यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच शुगर डाला है। अगर आपको मीठा पसंद है तो और 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, मगर मैं 1 कप लिया है उसके लिए 3 बड़े चम्मच शुगर बस होता है, इसलिए मैं 3 बड़े चम्मच शुगर लिया है। शुगर पिघलने के बाद फिर से ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। इसको एक आधे मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम में लगा के। इसी टाइम में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल लेते हैं। डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। मैं जब भी केसर बनाती हूँ 1 कप लिया तो 2 कप ही पानी डालती हूँ। देखिए, थोड़ा और लिक्विड के जैसा ही है। अभी इसी टाइम में इसमें जो कलर हम लिए हैं वो कलर मिक्स कर देते हैं। छोटी चम्मच से 1/4 चम्मच उतना डाला है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते ही कलर आ जाएगा केसर कलर। देखिए, कलर चेंज हो रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है और उतना ही अच्छा टेस्ट भी रहेगा। इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। देखिए, कलर एक कलर बस है। अगर ज़्यादा आप लोग डालें तो कलर रेड कलर में आ जाएगा, इसलिए छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच इतना ही डाला है। देखिए, थोड़ा सा लिक्विड है और एक 10 से 15 सेकंड तक इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा लिक्विड ही अच्छा नहीं रहता है। देखिए, ये इसी टाइम में मैं 1 चम्मच और घी डाला है। टोटल यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। पहले बड़े 2 चम्मच लिया था, अभी 1 चम्मच घी डाला है। टोटल 3 चम्मच घी। देखिए, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। कलर भी अच्छा परफेक्ट है। ये तो अभी बन चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करके जो ड्राई फ्रूट्स हम पहले से फ्राई करके लगा लिए हैं घी में वो इसमें डाल देते हैं। डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं इसे। अच्छा सा मिक्स कर लिया है मैंने। देखिए, केसर तो बन चुका है, यम्मी टेस्टी वाला केसर बन चुका है। अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। यहाँ पे प्लेट में सर्व कर रही हूँ, छोटा सा प्लेट में। अगर आप लोग चाहिए तो कप में, बाउल में, किसी में भी सर्व कर सकते हैं, वो अपना ऑप्शनल है।
देखिए कितना अच्छा कलर भी दिख रहा है, और आपको बताने के बाद मैं भी टेस्ट करके देखूंगी ये कैसा बना है। देखिए बॉल में तो मैं सर्व कर चुकी हूँ, थोड़ा सा बादाम मैंने काट के लगाया, बादाम से गार्निश कर देती हूँ। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स में काजू लिए तो बादाम की ज़रूरत नहीं है, मैं काजू नहीं लिया इसलिए बादाम से गार्निश किया है, अपना अपना रहता है, आप अपना पसंद से कीजिए, मैं अपना पसंद से किया है। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूले मत, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। आप लोग लाइक दिए तो मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।